प्रतिरोध दिवस के तहत निकाला गया प्रतिवाद मार्च, राज्यपाल के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। इंकलाबी नौजवान सभा एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के संयुक्त बैनर तले राज्यव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत स्थानीय टावर चौक स्थित महात्मा गांधी प्रतिमा स्थल से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। यह मार्च सड़क मार्च द्वारा समाहरणालय पहुंचा, जहां उपायुक्त को राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन में 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति बनाकर झारखंड के युवाओं को नौकरी की गारंटी देने, सभी खाली पदों पर अविलंब नियुक्ति की प्रक्रिया करने, भाषा आधारित नियोजन नीति को खारिज करने, शिक्षित बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलने तक 10,000 रुपया प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने, एम्स एयरपोर्ट एवं देवघर जिले में चल रहे सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में जिले के युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है। सभा ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले राज्यव्यापी प्रतिरोध मार्च है। झारखंड में हेमंत की सरकार जब आई थी तो वो उन्होंने बहुत वादा किया था कि झारखंड के युवाओं को रोजगार देंगे। यहाँ अभी जो चल रहा है कि भाषा आधारित स्थानीय नीति बनाने की जो साजिश चल रही है उसको हम लोग खारिज करते हैं। यहाँ 32 के खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाकर यहाँ के झारखंड के युवाओं को रोजगार देने की हम लोग मांग करते हैं। उसी सवाल को लेके यहाँ आज प्रतिरोध मार्च निकाला जाएगा। टावर चौक गांधी प्रतिमा से लेके समाहरणालय तक सब नौजवान जाएंगे और डीसी को राज्यपाल के नाम पर मांग पत्र सौंपेंगे। और देवघर में भी एम्स एयरपोर्ट जो है उसमें भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता नहीं मिल रहा है। तमाम मांग को लेकर आज कार्यक्रम करेंगे। माफ कीजिएगा राज्यपाल साहब को, और इसके तहत हम लोगों को मुख्यमंत्री से जो मांग करना है वो ये है कि जो अभी वर्तमान में जो नियोजन नीति जो अभी किया गया है उस चीज़ को हम लोग बोल रहे थे, जो 1932 का जो उन्होंने बोल जो वादा करके आया था उस वादा को हम लोग फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि युवाओं को भटकाना बंद कीजिए। और जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे दुविधा त्रुटि ऐसा डाल दिया जाता है ताकि युवाओं का जो भी मनोबल है वो कहीं ना कहीं गिर जाता है। जब भाषा को लेकर के यदि अभी जो आंदोलन चल रहा है खास करके कि झारखंड में जो इसमें नया नया भाषा जो जोड़ दिया गया भोजपुरी मैथिली और भी कुछ, तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो भाषा है ये हमारी झारखंड की तो अपनी विरासत रही नहीं है और न ही झारखंड का कोई अभिन्न हिस्सा रहा है, तो क्यों ना इसका हम लोग विरोध करें। और इसके तहत जो ये भाषा के तहत जो भी ऐड किया गया चार भाषा, हम चाहते हैं इन सभी को इसको हटाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीलांबर मंडल हुआ। कहाँ है घर? मेरा घर राजा सर हुआ, देवघर जिला से है। 1932 की खतियाने को मतलब बताए थे आधार, इस चीज़ को मतलब लागू कराने के लिए आए हैं। और जो वैकेंसियाँ मतलब निकाले हैं उसमें जैसे उत्पाद सिखाई अभी है, उसमें एज पहले आप इस एज में मतलब हम लोग भरे हैं, लेकिन अब जो एज मतलब उसमें हम लोग बाहर हो रहे हैं। जो पहले भर चुका है फॉर्म उसको तो मिलना चाहिए मौका। और जिसका फी वगैरह पहले 1,000 रुपया करके था जैसे CGL में, और अभी 100 रुपया कर दिया, उस फी को भी रिफंड करना चाहिए। और जैसे तृतीय और चतुर्थ वर्ग में स्थानीय रोजगार के लिए जो एयरपोर्ट एम्स में मतलब बाहरी के निकले हैं स्थानीयता को वरीयता अधिक देना चाहिए। बाकी तो बाहर के तो लोग इसमें जो ए और बी का है उसमें तो लेवे करेगा, लेकिन जो तीसरा और चौथा रैंक है उसमें स्थानीयता को अधिक वरीयता मिलना चाहिए। ये सब जो मांग है हम लोग अभी टावर चौक से लेके DC ऑफिस तक उपायुक्त महोदय को अपना एक ज्ञापन सौंपेंगे। भाषा को लेकर के विवाद चल रहा है, भाषा के विवाद भी इसमें देखिए मगही भोजपुरी और मैथिली 3-4 लैंग्वेज को जोड़े हैं जो उस चीज़ को पहले वो नहीं जोड़ा थे, किसी के दबाव में आकर सरकार जो भी किए जोड़े हैं उसको हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं। दबाव नहीं है, उसमें भी कुछ छात्र ये आंदोलन कर रहे थे कि जो छात्र झारखंड में हैं लेकिन वो बिहार के आसपास रहते हैं और बिहार में पढ़े हैं, तो उन्होंने आंदोलन किया फिर ऐड किया गया था, तो उससे आप लोगों को क्या दिक्कत है? हम लोग को ये आपत्ति है कि हम लोग का जो स्थानीय झारखंड की स्थानीय भाषा है ही नहीं, वो है ही नहीं, अभी तक हम लोग पढ़े ही है नहीं कि मतलब भोजपुरी मगही और मैथिली को किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया, हम लोग को जानकारी नहीं है। और अगर उस भाषा को लेगा तो बिहार को ठीक तो आखिर इसमें बोल रहे हैं कि स्थानीयता को वरीयता दे रहे हैं, तो स्थानीयता को इसमें बिहारियों को फिर मौका मिलेगा जी? बिहार बॉर्डर में जो रह रहे हैं झारखंड के युवा हैं उसके लिए फिर दिक्कत होगा। आप तो ऑलरेडी बोल रहे हैं कि 1932 के खतियान, अगर 1932 में वो लोग आते हैं झारखंड से मतलब परिपूर्ण है कि लैंग्वेज आ की जो मतलब संस्कृति है कार्यक्रम वगैरह जो भी होते हैं सारा चीज़ तो मतलब होगा क्या नाम तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या नाम है? नाम बताइए। मेरा नाम जवाहर कुमार।